हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं कुनाफा। कुनाफा एक अरेबियन डिश है जो कि गल्फ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत बनाई जाती है, और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और यहाँ पर जो ये कुनाफा बनता है, इसका मेथड बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर कुनाफा डो आता है और उसके ज़रिए ही इसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ऐसी जगह पर ये अभी डो मिलना अवेलेबल नहीं हुआ है। इसकी जो सिवई होती है, हम उसी सिवई से ही इसको बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए हमें कौन सी सिवई यूज़ करना चाहिए, और साथ ही हम इसको बनाएंगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे आप इसको ईजिली बना सकें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली बनाना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी बेध्यानी करेंगी तो फिर ये पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो होता है क्रिस्पी और जूसी, यानी कि इसकी लेयर्स जो ऊपर और नीचे की सिवई होती है वो क्रिस्पी हो जाती हैं, क्रंची एकदम, और अंदर जो इसमें चीज़ होती है बहुत ज़्यादा जूसी रहती है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो चलिए आज की यह रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। पहले इस तरह का एक थोड़ा हम डीप सॉस पैन ले लेंगे और इसमें डाल टेम्परेचर का दूध, यानी कि बॉयल किया हुआ। और ये टिप के साथ हम आपको बता रहे हैं, इसकी जो क्रीम, जो इसकी चीज़ हम तैयार करने जा रहे हैं, ये एक टिप है कि आप इसमें गैस पे ना चढ़ाकर पहले आप इसमें सारी चीज़ें डालकर तैयार कर लें, उससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में हम इस तरह से कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इसको आपको गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है, लोग गर्म दूध के अंदर जब ये कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो फिर उनके लम्स पड़ जाते हैं और फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि लम्स कैसे निकालें। अब ये एकदम घुल गया है और इसमें अब हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर अभी हम इसकी ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, और अब इसके बाद इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे और पकाएंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है और इसको हम लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। क्यों नहीं चलाएंगे तो इसमें फिर लम्स पड़ जाएंगे, तो इसको हमें स्टिर करते रहना है बॉयल आने तक। एकदम स्मूथ और अच्छी थिक कंसिस्टेंसी है, एकदम ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी होना चाहिए। ज़्यादा नहीं चलाएंगे और यहीं पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। एक टिप है, इसमें हम अभी चीज़ नहीं डालेंगे, हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद में इसमें चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम अब इस चीज़ को इसके अंदर डालेंगे। चाहते हैं इसका अच्छा टेस्ट आए तो आप चीज़ को गैस के ऊपर रखकर मेल्ट ना करें, उतारने के बाद में जब ये थोड़ा गर्म रह जाए उसके बाद में आप चीज़ को इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर लें और चिकना कर लें। एकदम स्मूथ हो गया है और मिक्स हो गई है चीज़ अच्छे से इसके अंदर। अभी फ़िलहाल इसको हम उठाकर एक साइड रख देंगे और अब शुगर सिरप तैयार करें। फिर से एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे, 1/3 कप पानी डालेंगे और ऐड कर देंगे, और शुगर को नॉर्मली मेल्ट कर लेंगे। हमें अब इसमें बॉयल आ रहा है, इसमें थोड़ा सा हम नींबू का रस डालेंगे, बस 20 सेकेंड इसको और पकाएंगे, उसके बाद में गैस को ऑफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे। ट्रीज में गल्फ में जो कुनाफा बनता है उसका एक डो आता है और फिर उसको काट बारीक बारीक काट कर अलग कर लिया जाता है, जिसमें एकदम बारीक सिवई होती है। लेकिन यहाँ पर एक टिप है कि आप मोटी सिवई ना लें, इस तरह की जो एकदम बारीक सिवई आती है इस सिवई का यूज़ कर लें, तो आपका टेक्सचर एकदम कुनाफे के जैसा ही आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह की बारीक सिवैयाँ ली हुई हैं, तरह से तोड़ लेंगे, हल्का हल्का सा दबा लेंगे पहले, क्योंकि ज़्यादा सी है भी है कि बहुत रोस्टेड सिवैयाँ लेते हैं, लेकिन रोस्टेड सिवैयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये रोस्ट की जाएंगी तो फिर
आसानी से सारी इसी वही रोस्ट हो जाएगी, तो पहले से इसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लेंगे मेल्टेड बटर, इसमें हम डालेंगे ये फूड कलर, लेकिन आप सीरा डालें इस तरह से, तो यहाँ पर ये टिप है कि आप बटर के अंदर कलर को मिक्स कर लें, उसके बाद में सेवइयों में डालें, तो वो पूरी सेवइयों में अच्छे से कलर मिक्स हो जाएगा और सेवइयों में अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। और अब इन सेवइयों के अंदर ये मेल्टेड बटर और फूड कलर डाल देंगे, देंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। ये इलायची पाउडर और ये टिप भी है कि आप इसमें इलायची पाउडर का यूज करें सेवई के अंदर। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे करना है कि थोड़ा सा मिक्स करते हुए हमें इसे रब भी करते चलना है, जिससे थोड़ी सी सेवइयां टूट जाएं और थोड़ी थोड़ी सी बारीक हो जाएं। अब सेवई एकदम, हम आपको पास से इसको दिखाते हैं किस तरह कलर ऐसा है, यानी कि बटर और कलर दोनों ही बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। हमने ये इस टाइप का एक बोल लेकर इसमें नीचे की साइड में आधी सेवइयों को ट्रांसफर कर दिया है। और अब हम इस टाइप का कोई भी छोटी कटोरी या ग्लास या कोई भी चीज़ आपके पास हो जो नीचे से ऐसी चौड़ी हो, थोड़ी फ्लैट भी हो, उससे हम इसको इस तरह से दबाएंगे। ये कि आप इसको इस तरह से दबाइए जिससे अच्छे से सेवइयां इसके अंदर दब जाएं और पैन में पलटने पर टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि इससे दबाने पर सेवइयां अच्छे से दब जाएंगी और बिखरेंगी नहीं जब आप इसको पैन में डालेंगे या पलटेंगे। तो अब ये अच्छे से सेट हो गई है। मैं ये चीज डालेंगे जो तैयार करके रखी है। चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये थोड़ी साइड हमें छोड़ते हुए चीज इसके अंदर डालना है, चारों को छोड़ते हुए चीज को फैला देंगे चारों तरफ। जितनी ज्यादा चीज पड़ी होगी उतनी ही ज्यादा ये टेस्टी होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि चीज ज्यादा डालने से इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली आप काम करेंगे तो चीज को संभाल लेंगे। और ये किनारे हमने छोड़ रखे हैं। अब हम इस तरह से किनारों पे डालते हुए सिवई को लगाते चले जाएंगे। इस तरह से पहले किनारों को दबा देंगे जिससे सिवैयां अंदर की साइड चली जाए और उसकी किनारे कवर हो जाए डिटेल में। और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकें और प्रॉपर उसी वे में उसको बना सकें, जिससे कि चीज़ बनने में थोड़ी सी भी गड़बड़ ना हो। अब की बार हम बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको सेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर अब चीज़ पड़ी हुई है। और अब इसकी ये साइड भी प्रॉपर सेट हो चुकी है, को बेक करेंगे। बेक हमें गैस पर करना है, माइक्रोवेव या अवन का यूज नहीं करना है। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, अगर आप इसको माइक्रोवेव में करना चाहते हैं तो फिर आप माइक्रोवेव को प्री हीट करके और 150 डिग्री सेल्सियस पर लगाकर और 20 मिनट तक बेक कर लीजिए, जिसमें से 10 मिनट आप एक साइड में इसको बेक करें और उसके बाद में आप इसकी साइड को पलट के रख दें और दूसरी साइड इसको कलर आ जाने दें। और चाहें तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें 20 मिनट तक, तो प्रॉपर दोनों साइड ही ओटीजी में कलर आ जाता है, तो दोनों ही साइड सिक जाएंगी अच्छे से। तो यहाँ पर हम गैस पर इसको बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो लेंगे और पैन को हम बटर से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद में कर लें उसको इस तरह कर लें कि आप आसानी के साथ में उसको खोल सकें और इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे। ऊपर इस तरह से लगा देंगे और वापस से ऐसे पलट लेंगे जैसे हमने पलट लिया है, और इस प्लेट को ऐसे आहिस्ता से उठा लेंगे, गैस पर रखते हैं। इससे पहले
अगर आपके पोस्ट करने वाले जालीदार तवे आते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप उसको रख दीजिए गैस पर, नहीं तो इस टाइप का जो तवा होता है इसको पहले गर्म होने देंगे। और ये बहुत अच्छा टिप है कि आप कुनाफा जब बनाएं तो आप इस तरह से एक तवा लें और उसको गैस पर रख दें और उसको अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद में आप इसके ऊपर पैन उठा के रखें जब ये प्रॉपर गर्म हो जाए। तो अभी इस पैन को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, तवा इसके अंदर ही पैन सेट हो गया है, तो हमें इस टाइप का तवा लेना है कि पैन उसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। तो शुरू में मीडियम और उसके बाद में एकदम सिमर पर ही इसको तैयार करें। तो चलिए इसको प्रॉपर होने देते हैं ये बेक होने के लिए, और गैस को हम अभी हाई रखेंगे कम से कम 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में एकदम सिमर पे कर देंगे और छोड़ देंगे इसको कम से कम 5 मिनट के लिए, और उसके बाद में इसको हम चेक करेंगे। लाइट से सिक चुका होगा क्योंकि इसको रखे हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के लिए आप चाहें तो किसी दूसरे पैन का यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर लगा के पलट लें, लेकिन पैन को पहले ग्रीस कर लें। हम यहाँ पर प्लेट की हेल्प से इसको पलटेंगे। इसको हमने ग्रीस कर लिया है बटर में, और हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे और पलट देंगे इसको। तो अब इसको इस तरह से पलट लिया है और पैन को वापस इस पे रखेंगे। थोड़ा सा बटर इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुली डालना है क्योंकि प्लेट में बटर था, तो ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। और क्योंकि इसको बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है और बहुत ही नाजुक होता है, ये नहीं देंगे और ऐसे ही छोड़ेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अब दूसरी साइड भी सिक चुकी होगी और ये तैयार हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे। में हमें निकालना है, उस प्लेट में ही इसको हम पलट लेंगे और इस तरह से इसको पलट देंगे। वाओ, अब ये यम्मी सा कुनाफा तैयार है। बस हमें इसको अब आखिरी टच देना है, जिसमें यहाँ पर हमने ये जो शुगर सिरप तैयार कर रखा था ये एकदम प्रॉपर ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर एक टिप है, जब ये एकदम प्रॉपर ठंडा हो जाए तब इसमें आप कोई केवड़ा या रोज़ वाटर मिला दीजिए, जिससे एक अच्छी सी खुशबू इसमें आए और कुनाफा और ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी लगे। अब हम इस तरह से कुनाफे के ऊपर पूरा ही शुगर सिरप डाल देंगे। इसे एब्जॉर्ब हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। चलिए अब इसको गार्निश भी कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए हमने इस तरह से पिस्ता को अच्छे से क्रश करके रखा हुआ है, और आप चाहें तो पिस्ता को एकदम बारीक ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं। तो अब हम पिस्ता इसके ऊपर डाल देंगे और इसको गार्निश कर देंगे। टेस्टी सा कुनाफा बनके तैयार है, और अब हम इसको काटेंगे। इसके लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये पिज़्ज़ा कटर का, ये बहुत ही क्रिस्पी और जूसी होता है। इसकी ये खासियत होती है कि इसकी सिवई बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है और अंदर की साइड से बहुत ज़्यादा जूसी होता है। अब हम इसको इस तरह से निकाल के सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये क्रीम जो चीज़ है वो कितनी जूसी सी दिख रही है, और जो ऊपर सिमई है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और टेस्ट में तो बस अमेजिंग है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का हमारा टिप है फ्रिज की स्मेल को दूर करने के लिए, जो उसमें खाने पीने की चीज़ों की स्मेल आ जाती है उसकी स्मेल को, जिसमें से आप एक छोटे बोल के अंदर पानी भर के आधा नींबू काट के रख दीजिए, और उसके बाद में आप देखेंगे फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। या फिर एक किसी बोल के अंदर आप नींबू के जो निचड़े हुए छिलके होते हैं उन छिलकों को रख दीजिए, 8-10 छिलके, तो उससे भी फ्रिज के अंदर स्मेल नहीं आती है।
और एक तीसरा तरीका और है, आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको आप हल्का पानी के साथ गीला कर लीजिए, यानी कि गीला करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। आप किसी स्टील की प्लेट के ऊपर उस न्यूज़पेपर को रख दीजिए और फ्रिज के अंदर वो प्लेट उठा के रख दीजिए और 2-3 घंटे बाद में आप उस न्यूज़पेपर को फ्रिज में से निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे कि फ्रिज के अंदर की सारी स्मेल चली गई है। तो ये था आज का टिप, नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।